इन बारिश के मौसम में पेड़ पौधे और पशु पक्षी कितने खुश हो जाते हैं ना मिठू, है ना। जब बारिश की बूंदें इन पेड़ प्यारे प्यारे पत्तों पे गिरती हैं, तब मानो जैसे कि लगता है कि भगवान जी स्वयं इन पे पानी डालने के लिए आया है ना, है ना बेटा। अब आप लोग बोलोगे कि पेड़ पौधे खुश कैसे नजर आते हैं, ये हंसते थोड़े हैं। तो आप एक बार इन्हें प्यार से देखो तो ये हंसते हुए ही आपको नजर आएंगे, है ना मिठू। ये पौधे जब बारिश की बूंदे खाई हवा में लहराते हैं ना, तब जैसे लगता है कि खुशियों की बरसात हो रही हो। इस मौसम में गर्मा गर्म भुट्टा मिल रहा है तो गजब ही बात है। देखो मिठू, गर्मा गर्म भुट्टा लेके आई हूँ। बारिश के मौसम में तुम कटोरे कटोरे मांग रहे थे ना, अच्छा लगा ना मिठू। अब आप लोग में से कुछ लोगों की क्यूरियोसिटी होगा कि इस मौसम में अभी भुट्टा मिलना तो बहुत मुश्किल है, तो मैंने ये भुट्टा कहाँ से लाया। तो आप लोग को मैं बता दूँ, जो आप सामने में छोटे से बच्चों को देख रहे हैं ना, इसके लिए ऊपर से शाम तारीफ लाने पड़े तो वो भी मिलती है मेरे घर में। स्पेशली मिठू के लिए आया है भुट्टा, है ना मिठू। नवाब साहब के लिए खा ले बेटा। अकर देख रहे हो, खुशी देख रहे हो अकर भुट्टा मिलने की। नहीं खाऊंगी भाई मैं तुम्हारा भुट्टा। तो मीठू भुट्टा से कोई खेलता है, खाने की चीज है ना। हाँ गुस्सा करेगा मुझ पर, गुस्सा नहीं किया। हाँ ना बेटा, बहुत समझदार बच्चा। भुट्टा देख के लगता है कुछ ज्यादा ही खुश हो गया है, या तो प्लेट देख के कुछ ज्यादा ही खुश हो गया है कि भुट्टा से ज्यादा उसको प्लेट पसंद आ रहा है। मिठू कितनी मस्त बारिश हुई है मिठू अभी, है ना, है ना मिठू। चलो मिठू, अब हमने तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम आराम से मौसम के मजा लेते हो, तो भुट्टा का